जितानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ कबला करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं नहीं चैनल सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक कर ले। मैं यहाँ छत के ऊपर ये रखने के लिए आया था शूज़, क्योंकि आजकल क्रिकेट से है छुट्टी हमारी, तो शूज़ धोए जा सकते थे, टाइम था तो मैंने नहीं धोए, मेरी वाइफ ने धोए, मैंने सिर्फ ला के यहाँ पर रखे हैं। सामने यहाँ पर धूप पड़ती है, इधर जल्दी जो है ना खुश्क हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखे। आज जुम्मा शरीफ का दिन है और मैंने जाना तो था जुम्मा पढ़ने शाला शरीफ में, मगर अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे जुम्मे के फ़ौरन बाद हमारे घर गेस्ट आने हैं, तो अगर वहाँ पर जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा, फिर अबू जान से डांट पड़ेगी, तो बेहतर है कि हम नहीं जाएँगे कहीं भी जुम्मा पढ़ने, यहीं अपने गाँव में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आज जुम्मा था तो बल्कि है था नहीं अभी जुम्मा ही है, तो मैं सुबह उठा हूँ, सिर्फ मुँह धोया और मुँह धो के मैंने ना खाना खा लिया, सॉरी नाश्ता कर लिया, मेरी माँ आज की तरफ जा रही है, नाश्ता कर लिया तो, और नहाया मैं इसलिए नहीं था क्योंकि जुम्मा है तो एक बजे के करीब नहाएंगे, जुम्मे का टाइम ज़रा फ्रेश सा होता है बंदा, तो जाना कहीं भी नहीं था। तो हुआ ऐसा है कि अम्मी जान ने वो फ्रिज में, सुबह हम दूध लेते हैं तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो उनसे बाई मिस्टेक वो सारा गिर गया दूध, तो अभी मसला ये है कि हाशिम अभी सोया हुआ है, जैसे वो उठेगा तो वो रोएगा दूध के लिए, पर दूध नहीं है, अभी मुझे दूध लेने के लिए मैं जा रहा हूँ, घर से निकला यही क्योंकि दूध लेके आता हूँ सिर्फ, तो फिर अम्मी जान ने चार पांच चीज़ें और बता दी तो वो भी लेके आना, आए वो भी लेके आना लाजमी, तो अभी मुझे फिर जाना पड़ेगा खड़ीने वाला, तो मैं ऐसे ही निकल आया हूँ है। वैसे भी वो शेर है ना, वो तो शेर है पंजाबी कलम इसलिए, तो मैं भी पहले मैं बाहर बैठा था, अभी घर गया हूँ तो मैंने देखा था कि रज़ा ले गया हुआ है, क्योंकि जुम्मे है, जुम्मे वो जुम्मे की तैयारी में हाथ शत करवाने के लिए बाल शाल थोड़े से ठीक करवाएगा, वो होगा तो यही मंगन वाला, अगर उसने मुझे देख लिया उसने बोल देना उधर भाई ये ले जाओ इसे छोड़ जाओ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि वो ना देखे ऐसे ही गुजर जाऊँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पर भी देखता ना मैं ये वाला या दूसरी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ तो वो उसी टाइम कहता है भाई तुम क्यों लै के आए हो, मुझे सुना ना मैं यह लै जा के आ जाता, मैं उसे ये कहता हूँ यार है रही है वो भी चलाना है ये भी चलाना, नहीं तुम यह लेके जाओ, तो वो ठीक हो जाता है, अभी मैं करीब वाला ही जाता हूँ सीधा, एकदम सही है, मतलब मैंने वो काम करवाया था बिल्कुल ठीक हो गया, मगर अबू जान बोल रहे थे परसों वो गए थे खारी हैं, तो वो कह रहे थे कि रस्ते में इसके लेदर जो है ना फंस गए थे और आग लगी थी उसको, तो जो है ना इसमें तो बड़ी मुश्किल से वो जो है ना सेव हुआ हूँ मैं, कहते लो अल्लाह ने जो भी अल्लाह करता बेहतरी के लिए करता है, वो कल तक बड़ी मुसीबत से बच गए हों, तो अभी मैं ऐसे ही स्लो स्लो जा रहा हूँ। बात मैंने कही थी कि ना हो वही हुई है, रज़ा मुझे रोड पे मिल गया, उसने वही किया भाई नहीं यही लेके जाओ, मुझे नहीं मैंने इसको बोला भी है अरे यार ये भी मोटरसाइकिल है वो भी मोटरसाइकिल है सेम ही बात है, मगर उसने कहा जी बस यही लेके जाना है, तो वो भी ये दे रही है उसने वो दूसरा लेके भी, वो कहते मैं इधर ही हूँ आपने बाजार जाना है, दसो यार समझ नहीं आती मुझे है, छोटा भाई है लव मेरा प्यार है ना, छोटा भाई है बेटे जैसा है। जल्दी की थी कि मैं जल्दी जल्दी से आ जाऊँगा ओके उधर से बाजार से, मगर पता नहीं कुदरती बात है बाजार जाके जितनी भी जल्दी करो ना आप तो आपका टाइम लग जाता है, तो मैं फिर भी जितनी भी जल्दी पहुँचा अभी पहुँचाऊँ तो जुम्मे का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, दूसरी अजान होने वाली है, तो मैं आके नहा के कपड़े चेंज किए हैं, अभी जुम्मा पढ़ने जाना है, तो अभी बाल थोड़े रह गए हैं सर पे, बाकी तो पीछे वाले तो इधर से उठ गए हुए हैं, तो मेरा तो बगैर कंघे से काम चल जाता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत बार गया हुआ था, और मैंने आज स्टार्ट कर दिया बिरयानी बनाना, घर से कॉल आ गई बिरयानी का सामान तैयार है और आ जाओ, फिर मैं और अमाद चश्ती किधर गया हमारा ये हम इकट्ठे दोनों भाग के जा रहे हैं बिरयानी बनाने, हमारा सेटअप है बिरयानी बनाने का, गैस पे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मज़ा नहीं आता गैस पे बनाने का, ये जो लकड़ियों की आग है ना इसकी भी क्या बात है, ये प्याज करने हैं थोड़े से ब्राउन करके इनको निकालेंगे बाहर, उसके बाद जो है ना चिकन वगैरह मैंने ऑलरेडी मसाले वगैरह लगा के इसको रख दिए हुए हैं, ये मेरी बेस्ट बिरयानी है, ये मेरा अपना तरीका है बनाने का, मैं किसी को कॉपी नहीं करता इसमें, मेरा एक डिफरेंट तरीका है बनाने का, बना के खा के कैसी बनी सबकी राय ले के आपको बता दूंगा। चिकन है
इसमें सिर्फ मसाले नहीं हैं, इसमें मैंने डाल दिए हुए हैं ऑलरेडी टमाटर भी इसी में मैंने ऐड कर दिए हुए हैं, ये इसी के साथ ही जो है ना वो गल जाएंगे। ये मसाला पूरे तरीके से मतलब चला गया होगा, जैसे काफ़ी देर पहले का मैंने कर दिया हुआ है। अभी ये सिर्फ जैसे थोड़े से ब्राउन प्याज ब्राउन हो जाएंगे ना लाइट ब्राउन, तो ये ऐड कर देंगे, थोड़े से इसमें से निकाल देंगे प्याज और बाकी जो है ना वो बाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। पानी का मरहला पहुँच चुका है दम तक, ये इसका 20 मिनट का दम है क्योंकि इसमें गोश्त थोड़ा सा कच्चा रखा जाता है तो दम में पकेगा और चावल भी कच्चे हैं तो 20 मिनट का दम है। तो 20 मिनट बाद इंशाल्लाह जब रेडी होगी तो आपको दिखाऊंगा लुक कैसी है और टेस्ट करके भी बताऊंगा कैसी है। वैसे तो अभी तक तो अच्छी बनती आई है, अब खुदा बेहतर जाने। आई थी बर्नर बी लेवल को वो सारी ख़राब हो गई थी, ये एक उसमें से बची है और ये यहाँ पर इसलिए लगाई गई है सिर्फ हाशिम के लिए, शाम को वो देखता है। और ये मॉडम लगा हुआ है पीटीसीआर का नेट का जो पिछले 3-4 दिन से ख़राब है और अभी तक ठीक नहीं हुआ और आगे पता नहीं कितने दिन तक ठीक नहीं होगा। हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, हमारी एकदम फर्स्ट क्लास बनी है, मैंने खा के टेस्ट किया अभी खाई नहीं, थोड़ी देर में खाएंगे। अंधेरा हो चुका है और हमारे शूज़ अभी तक बाहर पड़े हैं तो शूज़ उतार लेने चाहिए, फिर बाहर पड़े रहेंगे सुबह वैसे ही हो जाएंगे तो उतार लेते हैं। ये रहे शूज़, अभी भी फुल नहीं सूखे, सुबह फिर रखने पड़ेंगे, उतार लेते हैं शूज़, इनको रखते हैं बैठक में ताकि सुबह मैं इधर से अगर नीचे ले गया तो फिर नीचे पड़े रहेंगे, याद नहीं रहेगा। हमारे तोते यहाँ पर हैं इसके पीछे, ये एकदम क्या है सर्दी प्रूफ हो जाएंगे, इससे बच जाएंगे क्योंकि ये बंद होता है रात को, तो बाकी भी खिड़कियाँ भी सारी बंद हैं। सर्दी है जी, फिर अंदर आने का कहीं पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज की वीडियो करते हैं तब इंशाल्लाह, कल फिर मिलेंगे, रही थी ज़िंदगी तो बशर्ते ज़िंदगी है, और 1.5 लाख याद रखिएगा, 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।